लगभग 4 बजे की बात है, यहाँ पे जनूटा ने यहीं इसी स्पॉट पे एक स्ट्राइक के लिए, एक प्रोटेस्ट के लिए कॉल किया था। तो हम सब लोग यहाँ आए थे और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कुछ कुछ स्पीचेस दी, बताया जीनियर एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा है क्या नहीं, और स्टूडेंट्स भी थे, जीनियर के लोग थे। और कल से जो ABBP के कैंपस में सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कुछ कुछ स्कर्मिशेस, थोड़ी लड़ाई झगड़ा करना, मार पिटाई करना, ये कल हुआ है। SL बिल्डिंग के सामने स्टूडेंट्स पे पिटाई हुई है, उसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थे और कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे, जो पहली बार हुआ है। तो ये कल से कुछ 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 इंसिडेंट्स क्रिएट किया जा रहा था, और अब समझ आ रहा है क्यों किया जा रहा था, क्योंकि इसका एक पैटर्न था। तकरीबन 6 बजे मैं रेडी हो रहा था यहाँ से निकलने के लिए, तब तो हमें पता चला, स्टूडेंट्स ने आके हमें बताया कि पेरियार हॉस्टल के पास एक भीड़ जमा हुई है जिनके पास लाठियाँ लट हैं। तो हम लोग कुछ फैकल्टी मेंबर्स, हमने सोचा हम जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्या पता हम उनसे बात कर सकें, रीज़न कर सकें। तो वो जैसे ही हम आधा रास्ता गए तो हमें किसी ने आके कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल मत जाइए, बहुत डेंजरस लोग। तो हम सब रुक गए और मैंने तुरंत 100 नंबर डायल किया। वो कितने टाइम पे किया वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, एग्जैक्टली कितने बजे मैंने 100 नंबर पहला डायल किया। उसके बाद हम लोग रुक गए वहाँ पे। रुकने के बाद मैं साइकिल पे था, तो मैंने सोचा, पहला मैंने पुलिस को फ़ोन किया है 7:14, तो ये था, मैं साइकिल पे था, मैंने कहा मैं आगे देख के आता। मैं गया हूँ रोड पे मेन और राइट कट लिया है पेरियार के सामने, तो मैं कभी मैंने ऐसा देखा नहीं JNU के अंदर। 60-70 लोग खड़े हैं, लड़के ही थे, जीन्स में और स्वेटर टाइप स्वेटर पहने हुए, सबके हाथ में फ्रेशली कट लकड़ लट थे, पेड़ के कटे हुए, छीले हुए, और सबने मुंह पे, कई लोगों ने मुंह पे रुमाल बांधा हुआ, और वो रेडी हो रहे थे कुछ करने को। मैंने उनके थोड़ा दूर साइकिल रोकी, देखा उनकी तरफ, और मैंने सहसा अपने पॉकेट में हाथ डाला और कैमरा निकाल के उनकी फ़ोटो ली। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंने फ़ोटो ली, उनमें से 2-3 मेरी तरफ भागते हुए आए और मुझे थ्रेटन किया, बोलो इसको डिलीट करो। और मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मैं वगैरह कुछ नहीं, तब तक मुझे पूरे चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने फ़ोटो डिलीट किया, दिखाया उनको। उसके बाद उन्होंने मुझे, एक ने सर पे मारा पीछे से, दूसरे ने एक और हाथ पे मारा, और अगर मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता, फ्रीज हो जाता, तो वहीं मैं अच्छे से पिट जाता। लेकिन पता नहीं मेरा रिएक्शन रहा, तो मैंने एकदम से, मेरी हाथ से मैंने साइकिल छूटी, साइकिल गिरने की वजह से शायद वो अलग हुए, और मैं भाग निकला। मैं भाग के वापस इस तरफ आया जहाँ पे फैकल्टी लोग खड़े हुए वेट कर रहे थे। मैंने कहा कि सिचुएशन बहुत डेंजरस है, ये लोग अटैक करने के लिए रेडी हो गए, कभी भी आ सकते हैं। फैकल्टी लोग पीछे आए, यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, कमी स्टूडेंट्स थे, 100-200 थे, और उनको बोला अब वो लोग आ रहे हैं अटैक करने, क्या करना है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था लोगों, किसी ने कहा कि यहीं पे आप पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट करिए, हमारा हक है, हम पीस चाहते हैं, पीस वॉल बनाइए। और फिर उन्होंने आके पहले तो वहाँ से पत्थर फेंकना शुरू किया और चार्ज करके आए हैं, मतलब पूरा मुंह पे बांध के लट लेके धीरे धीरे आए, फिर एक जगह रुके, फिर पत्थर फेंकना शुरू किया, और फिर एकदम पुलिस की तरह ऑलमोस्ट चार्ज किया लट लेके। मैं इधर से भागा, मैंने कहा मुझे नहीं पिटना है। लोग भागे, फिर कुछ लोग रुके, कोई लागे, उसमें उस भगदड़ में कई लोगों, मेरे से 15 लोग एम्स ट्रामा सेंटर में हैं, 2 बहुत बुरी तरह, एक हमारी फैकल्टी मेम्बर हैं सुचरिता सेन, उनके सर पर लगी है, सुनाया भी ठीक है, लेकिन उनको टाके लगे हैं। हमारी JNU SU की प्रेसिडेंट जो है आशी, उसको बुरी तरह माथे में इतना डीप गैश है, आई होप शी इज फाइन। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचे समझे प्लान के तहत हुआ, मतलब JNU में गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी भी बदली गई है अभी, आई थिंक मेजर बख्शी जो हैं उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है, उनको हायर किया गया, ये मैंने रूमर सुना है, इसको आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। ये लोग आए कैसे, इतना सारा असला लेके कैसे आए, वहाँ खड़े होकर आराम से वो प्लान कर रहे हैं, रीग्रुप हो रहे हैं, हम लोग देख के उनका फ़ोटो ले रहे हैं, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो ये एक प्लान अटैक था मेरे ख्याल से, और अब आप देख रहे हैं पीछे से पुलिस गई है, पुलिस गश्त लगा रही है, अब पुलिस पे भी कितना भरोसा किया जाए आप जानते ही हैं जामिया के बाद। तो देखते हैं, रात भर आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पे विजिल देंगे इन स्ट्रेंथ, एंड होपफुली कुछ और